मार्केट सेंस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं धीरेंद्र कुमार वैल्यू रिसर्च से। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। मार्केट में क्या हो रहा है? कभी तेल का दाम बढ़ रहा है, विदेशी निवेशक अपने पैसे निकाल रहे हैं, रुपया गिर रहा है, तो अभी इस स्थिति में मार्केट में इन्वेस्टर्स निवेशकों को क्या करना चाहिए? बाजार में उथल पुथल लगा रहता है। बाजार 16% रिटर्न देने वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं है, या तो बाजार और बाजार हमेशा इसी स्थिति में रहता है, या तो बढ़ता रहता है और लोगों में विश्वास रहता है, लोग अब पैसा लगा रहे होते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ लगा रहे होते हैं और वो उम्मीदें पूरी भी होती हैं, या बाज़ार में घबराहट रहता है, भगदड़ मचा रहता है, लोग भाग रहे होते हैं और लगता है कि बाज़ार से भी भाग जाएं और फिर कभी दोबारा नहीं आएंगे। और उसका कारण ये है कि बाज़ार में भविष्य को डिस्काउंट करने का बाज़ार भविष्य को डिस्काउंट करने का एक तरीका है कि भविष्य में कंपनियां कैसी करेंगी, भविष्य में हमारा इकोनॉमी कैसा करेगा, उसका लोग आकलन करके आज खरीद बेच करते हैं और बहुत तेज़ी से कर देते हैं। आज अगर घबराहट होगी तो बहुत तेज़ी से लोग उसको डिस्काउंट कर देंगे कि कल जैसे बाज़ार ख़त्म हो रहा है, और अगर आज थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म आ जाता है तो लोग देखते हैं कि नहीं, अब बड़ी खुशहाली आ जाएगी, इसलिए बहुत तेज़ी से दाम बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ार हमेशा ही बढ़ने का जो रफ्तार होता है वो धीरे धीरे होता है और गिरता धड़ाम से, और ये जो धड़ाम से गिरना है ये बहुत लोगों को हैरान करता है या बहुत लोगों को चिंतित करता है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ नया नहीं है। तेल के दाम बढ़े, इस वजह से हम ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं, इस वजह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से विदेशी निवेशकों को नुकसान होगा क्योंकि उनका लाया हुआ जो डॉलर है वो रुपये में कन्वर्ट हो जाता है जब बाज़ार में लगाते हैं। अब जब अपना पैसा वो ले जाएंगे और रुपया और डिप्रिशिएट कर गया तो पहले उनको मिलता 60 रुपया पे एक डॉलर, अब उनको मिलेगा पहले 70 रुपये पे एक डॉलर मिलता, अब 75 रुपया भी हो जाएगा तब भी उनको एक ही डॉलर मिलेगा। इस वजह से वो इसलिए भगदड़ मचा हुआ है। इस वजह से विदेशी निवेशक अगर तेज़ी से पैसा निकालता है तो बाज़ार में गिरावट आती है। कॉन्सोलेशन ये है, बहुत बड़ी सांत्वना है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाज़ार में पैसा लगाना शुरू कर दिया और बड़े लगातार नियमित रूप से ये पैसा आ रहा है। अगर आप देखें कि 2018 में अभी तक 10 सितंबर तक विदेशी निवेशकों ने 60,000 करोड़ रुपया निकाला है और इंडियन इन्वेस्टर्स का 90,000 करोड़ रुपया बाज़ार में लगा है, तो उनसे डेढ़ गुना पैसा लगा है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 45,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों का निकला था और 90,000 करोड़ रुपया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का लगा था, जिस वजह से बाज़ार में कोई बदहाली नहीं हुई थी। ये बाज़ार में ऐसा हमेशा ही रहेगा, या तो बड़ी खुशहाली रहेगी और या बड़ी निराशा रहेगी और ये उथल पुथल लगा रहता है। आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों में। किसी चीज़ पे आपका कोई जोर नहीं चलता, किसी भी चीज़ को आप गेस कर सकते थे? नहीं। क्या किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर सकते थे कि हम इस तरह की कंपनी में लगाते हैं जिसको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा, तेल कंपनियों को बेच देते हैं उनमें नुकसान हो जाएगा, इस कंपनी में लगा देते हैं इसमें बड़ा फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट कंपनी है, ये कर पाना निवेशकों के लिए बड़ा मुश्किल है। डाइवर्सिफाई कीजिए, धीरे धीरे लगाइए और लंबे समय का पैसा ही लगाइए। अगर ये तीन नियम आपका पालन करते हैं तो बाज़ार के बदहाली का आपको खुशी मनाना चाहिए। आप सस्ता खरीद रहे हैं, बाज़ार से पैसा तभी बनता है जब आप सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं, और अब सब कुछ सस्ता हो रहा है तो अच्छी बात है, और आपका पैसा लग रहा हो तो अच्छी बात है। अगर आपको लाचारी में पैसा अगर कल बेचना है, अगर आपके ये लंबे समय का पैसा नहीं है, आपने ये सोचा था कि 6 महीने में कुछ मैजिक हो जाएगा और आप शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं निवेशकों की, निवेशकों के लिए इक्विटी विकल्प तभी है जब आप कई सालों का नज़रिया रखते हैं। अगर आप कई सालों का नज़रिया नहीं रखते हैं तब आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, तब आप पंटर हैं, आप किसी तरह से लिवरेज करके कोई खास फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि हम सक्षम हैं आपको कोई किस तरह का गाइडेंस देने के लिए, उसके लिए आपको चांस लेना पड़ेगा बाज़ार में। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो खुश होना चाहिए कि बाज़ार में गिरावट है और आप सस्ता खरीद रहे हैं। और एक और ILNFS को लेके बहुत चिंता है लोगों के दिमाग में कि डिफ़ॉल्ट हो गया है, क्या है उससे हमारे अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो पहली बात है कि ILNFS क्राइसिस जो है वो है क्या, और उससे कोई बड़ी बात होने वाली है, कोई बड़ा भूचाल आने वाला है मार्केट में, क्या है ILNFS क्राइसिस?
आईएलएन एफएस क्राइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है और ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसमें एक समस्या होती है कि समस्या नहीं या अपॉर्चुनिटी है या समस्या है या इस कंपनी का जो रोल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत लंबा समय लग जाता है अगर आप रोड बना रहे हैं पोर्ट बना रहे हैं कुछ और बना रहे हैं कोई पावर प्लांट लग रहा है तो उनको इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। कोई भी फाइनेंस कंपनी फाइनेंशियली बहुत वल्नरेबल होती है अगर दो चार चीज़ आपका खटाई में पड़ जाए तो क्योंकि आपका 100 रुपया की आपकी पूंजी होती है और आप 900 रुपया आप उधार लेते हैं और इस वजह से आप 1000 रुपये आप लगा पाते हैं। 1000 रुपये में से अगर आपका 100 रुपये 150 रुपये का अगर आपका पूंजी अटक जाता है कोई आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं लेकिन वो आपने सोचा था कि ये 3 साल में ख़त्म हो जाएगा और 5 साल होने को अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, अगर वो पैसा अटक गया और वो पैसा प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो आपको आपके लिए समस्याएँ होंगी। वही समस्या आईएलएफएस के साथ हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सारा पैसा जिस तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई पैसा लेके भाग गया है, नहीं बहुत कुछ हुआ भी है। सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट्स जमीन पे हैं, कुछ में हो सकता है नुकसान हो जाए, कुछ में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन बहुत कुछ ग्राउंड पे है। लेकिन ये बिज़नेस का डिज़ाइन ही इतना वल्नरेबल है कि लंबे समय का प्रोजेक्ट आप पैसा लेते हैं बाजार से उठाते हैं और उसको अगर आप समय पे नहीं देते तो आपका साख गिर जाता है। पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि आईएलएफएस समय पे अपना ब्याज और पूंजी वापस निवेशकों को नहीं दे पाया है और आईएलएफएस का जो पेपर था वो बहुत सारे बॉन्ड फंड्स में लिक्विड फंड्स में था। लिक्विड फंड में आईएलएफएस सिक्योरिटी का होना, जबकि आईएलएफएस लिक्विड फंड में हमेशा ये हाई क्वालिटी बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर का डिफ़ॉल्ट करना, समय पे पूंजी का वापस नहीं आना, ये निवेशकों के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ है। क्योंकि आज तक भारतीय निवेशकों को यही उम्मीद थी और यही समझ थी या यही अंडरस्टैंडिंग है कि लिक्विड फंड में आपका पैसा कभी गिरता नहीं है। पहली बार 1-2 या 5-6% का नुकसान लिक्विड फंड में देखा गया है। ये लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। ये उन लोगों का पैसा लगा हुआ है। लिक्विड फंड में अभी भी आम निवेशक, एक इंडिविजुअल निवेशक नहीं लगाता है, अभी भी इसमें कंपनियां पैसा लगाती हैं क्योंकि इंडिविजुअल निवेशक के लिए बहुत सारा विकल्प है। 4% आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिल जाता है, कुछ बैंक आपको 6-7% भी दे देते हैं, हर एक पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट किया जा सकता है, तो आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट्स के लिए या फिक्स्ड इनकम के लिए बहुत सारे और दूसरे विकल्प हैं। तो जो निवेशकों का जो ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ही इसमें नुकसान हुआ है और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है क्योंकि लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम पैसा ले लेते हैं नहीं तो और नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान पहले दिन ही हो गया था, जो होना था वो हो चुका है। अब अभी अगर आप लेते हैं तो आपका जो लॉस, जो इसमें कि कुछ पैसा रिकवर भी हो सकता है, वो पैसा निकाल लेने से वो परमानेंट हो जाएगा क्योंकि आप फिर भविष्य में कुछ आईएलएफएस के सिक्योरिटीज़ का में से कुछ रिकवरी हो पाए उसके आप हकदार नहीं होंगे। तो आपको बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप निवेशक हैं इन फंड्स में जहां पर आईएलएफएस का इशू हुआ है तो उन्हें निवेश अपना निकालना नहीं चाहिए पैसे अपने। अगर आपके पास समय है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान परमानेंट हो जाएगा। सही कहा आपने। मेरा तीसरा प्रश्न है कि आज की तारीख में क्योंकि मार्केट में इतनी भगदड़ मची हुई है, उतार चढ़ाव है, तो आपको क्या लगता है कि जो आम निवेशक है वो अपना पैसा अब भी डाल रहा है मार्केट में या वो डर गया है, वो पैसा भी हट जाएगा जैसे विदेशी अपना पैसा निकाल रहे हैं? आपको लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर भी जो है वो अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं? नहीं, इस साल विदेशी निवेशकों ने अभी तक 10 सितंबर तक 60,000 करोड़ रुपये निकाला है और भारतीय निवेशकों ने 90,000 करोड़ रुपये लगाया है। पिछले साल पूरे 2017 में विदेशी निवेशकों ने 45,000 करोड़ रुपया निकाला था और 90,000 करोड़ रुपया ही भारतीय निवेशकों का निवेश था। तो अभी 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं और भारतीय निवेशकों का गिरते हुए बाजार वाले साल में उतना ही पैसा आ चुका है जितना 2017 में आया था। जिस तरह से पैसा आ रहा है और जिस तरह से म्यूचुअल फंड के ज़रिए SIP के ज़रिए पैसा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय निवेशक अभी किसी तरह से चिंतित है। और ये जो अच्छा कंडक्ट है इसके लिए रेगुलेटरी बदलाव भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। SIP का जो ये बड़ा मूवमेंट है, जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चला और लोग SIP कर रहे हैं और छोटे शहरों में लोगों से निवेश कराने के लिए जिस तरह से SEBI ने इंसेंटिव का प्रावधान किया है, उस वजह से निवेशकों में बड़ा विश्वास जगा है।
हर महीने गिरावट के बावजूद हर महीने SIP का जो क्वांटम है, अब आज के दिन हर महीने करीब करीब 7,800 करोड़ रुपया SIP के ज़रिए आते हैं। तो बाज़ार में चाहे कुछ भी हो, ये पैसा अचानक कम नहीं होता है। इसमें लोगों का नुकसान लगता भी होगा कि हो रहा है, उसके बावजूद निवेशक अपना निवेश बंद नहीं करता है। तीसरा चीज़ कि जिस तरह से निवेशकों को पहले बाज़ार में लाया जाता था म्यूचुअल फंड के ज़रिए, या बाज़ार में जिस तरह से निवेशक आते थे उनकी उम्मीदें बंधाई जाती थी कि आप आइए और खूब सारा पैसा बहुत रफ्तार से तेज़ी से बनाया जा सकता है, और आम तौर पर निवेशक उसके बारे में उत्साहित तभी होता था जब सचमुच ऐसा हो पाता था कि आपने 100 रुपया लगाया और एक महीने में 120 रुपया हो गया। लेकिन आमतौर पर वो स्थिति तभी होती थी जब वो 120 रुपया बहुत आसानी से तेज़ी से 90 रुपया भी हो जाता था। और चूँकि अब पैसा धीरे धीरे आता है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, निवेशक अब ये देख रहा है कि बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, नुकसान ज़्यादा ना हो, कई सालों का पैसा लगाया, अगर ये 2-3 चीज़ अगर होता है तो निवेशक चिंतित नहीं होता है। अगर निवेशक 6 महीने का पैसा लगाता है और बहुत उम्मीद के साथ आता है तो तुरंत निराश होता है और उस समय अपना पैसा निकालता है। तो आप देखेंगे कि पिछले 4 बुल रन में जब भी बाज़ार में तेज़ी आई है, चाहे वो 1992 में हो या 1998 में हुआ हो या 2008 में जब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगा रहे थे पागलों की तरह, या फिर टेक्नोलॉजी बूम जो 2001 का 2000 या 2000 का था, जिस समय लोग पैसा लगाते थे और उम्मीद करते थे कि आपका 1 साल 1.5 साल में पैसा दुगना हो जाएगा, और हो भी रहा था, और जिसके बाद जब पैसा आधा हुआ तब निवेशक हमेशा के लिए निकल गया। जिस तरह से SIP का धूम नहीं मचा था, जिस तरह से ये मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, उसके अलावा मुझे लगता है कि अभी भारतीय बाज़ार में बहुत पोटेंशियल है। जब मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ, जब मैं अपने ऑफिस में काम अपने सहयोगी को देखता हूँ, तो अभी भी जिनको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए वो पैसा नहीं लगाते हैं। अभी वो ग्राउंड टेस्ट कर रहे होते हैं। आपका पैसा लगा होता है 20 लाख रुपया PPF में और आप 4,000 रुपये का SIP शुरू करते हैं। तो अभी भी भारतीय निवेशक अभी बाज़ार से जुड़ा हुआ निवेश को एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी। और भारतीय निवेशक का जो ये 2 बड़ा बदलाव हुआ है भारतीय निवेशकों के कॉन्टेक्स्ट में, कि ब्याज दरें कम हुई हैं और कम होती जाएंगी, और रियल स्टेट एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो कि बड़ा पैसा आपका कंज्यूम कर लेता था, वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अब नहीं रहा। अब आप मकान खरीदेंगे और उसमें रहिए, किराया बचेगा और आप अपना किस्त भी जमा कीजिए अगर आप उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं। लेकिन जो पहले होता था कि अगर आपके पास 20-50 लाख रुपये इकट्ठा हो गया तो आपको दूसरा मकान लेना है, फिर तीसरा मकान लेना है, वो विश्वास लोगों का टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। और उस वजह से काफ़ी पैसा निवेश करने के लिए लोगों के पास उपलब्ध रहेगा। ये 2 चीज़ है जो मुझे लगता है भारतीय बाज़ार के लिए अगले कई सालों तक काम करता रहेगा। राइट। और अगले कुछ महीनों 2 महीने में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, और निवेशकों को चिंता करनी चाहिए चुनाव के रिजल्ट को लेके? आप चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। बाज़ार में हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा। 6 TV चैनल रोज़ सुबह 9:30 बजे आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री देंगे जब तक बाज़ार का खेल चालू रहेगा। ये खेल नहीं है, ये आपके रिटायरमेंट का पैसा है, बच्चे के पढ़ाई का पैसा है, मकान बनाने के लिए डाउन पेमेंट का पैसा है, या कुछ नहीं, अपने पैसे को रफ्तार से बढ़ाने के लिए लंबे समय में वेल ऑफ होने का पैसा है। ये खेल नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों के बारे में चिंता मत कीजिए। हर 5 साल पे इलेक्शन होगा, हर 5 साल पे हम अटकलबाजी करेंगे कि किसकी सरकार आएगी और कौन सरकार फ़ायदेमंद होगा। आपको देखना चाहिए कि क्या आपका कितना पैसा इक्विटी में लगना चाहिए। इक्विटी में लगा हुआ पैसा अच्छे फंड में लगे, अच्छे कंपनियों में लगे, वो वैसी कंपनियाँ हों जिसमें जहाँ पे वृद्धि होगी, कॉम्पिटिटिव कंपनियाँ होंगी, महंगा हो सस्ता हो ये पता नहीं, लेकिन अगर आप अपने लंबे समय का पैसा लगा रहे हैं आपको फ़ायदा होगा। तो शोर से बचिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद आपका। ये था मार्केट सेंस। अगले महीने फिर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।